हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अशोक मथस्पोइंट है। मैं अन अकेडमी में भी हूँ, जो इंडिया की सबसे बड़ी फ्री लर्निंग ऐप है। इसमें मैंने मैथ्स के लेसन बनाए हुए हैं, जो सीडीएस, एसएससी तथा सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए लाभदायक हैं। इसका लाभ उठाने के लिए आप लोग अन अकेडमी फ्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। अब इसमें दिया है 3.6 में सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 1/x आ गया, 1/y आ गया। फिर इसको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए करते क्या है, जैसे ये 1/x है, ठीक है, इसको कुछ भी लेट कर लो, वेरिएबल ए लेट कर लो, बी लेट कर लो, एम लेट कर लो, ठीक है, बी लेट कर लो, जैसे हमने मान लो ए लेट कर लिया एंड लेट, ठीक है, 1/x क्या होगा, थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा तुम इधर साइड हो जाओ, 1/x equal to a हो गया and 1/y equal to b, इसको थर्ड मान लो, ठीक है। देखो यहाँ समझने की बात ये होती है, इसको ध्यान से समझो कि 1/2x लिखा है तो 1/2 into क्या हो गया, 1/x हो गया, 1/2 into 1/x का मतलब हो गया 1/2 into क्या है, 1/x कितना है, a मतलब a/2 हो गया। ये बात समझ लो, ध्यान से इसको हम क्या लिख सकते हैं, a by 2 plus कितना हो गया, b by 3 equal to कितना हो गया, ये 2 हो गया। ये 1/2 into 1/x हुआ तो a by 2 हो गया, और ये 1/3 into 1/y हुआ तो b by 2 हो गया। अब इसका क्या लेंगे, LCM तो 6 आएगा, ये क्या होगा 3a plus 2b equal to 6, 2 या 12, इधर हम डायरेक्ट 12 लेंगे, ये हो गया आपका थर्ड लेंगे ना, ये फोर्थ हो गया, क्लियर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में पुट करने कितना हो गया, a by 3 plus b by 2 equal to कितना होगा, 13 by 6, फिर इसका LCM 6 आएगा, यहाँ पे कितना होगा 2a plus 3b equal to 13 by 6, 6 से 6 कट गया, कितना होगा 2a plus 3b equal to 13, ये हो गया 5। आगे समझ में, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व, अब किसी भी मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन से चलो करते हैं, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2b है 3b है, तो इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, इक्वेशन 4 इंटू 3, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है, माइनस इक्वेशन कितना आएगा 5 इनटू 2, इसको जब करोगे तो कितना होगा, 3 से 9 प्लस 6 इक्वल टू 30, इसको करोगे किससे, 2 से, कितना हो गया 4a प्लस 6b इक्वल टू 26। अब तुम क्या बोलोगे, बीच में वो अच्छा कॉमन ले लो, उससे मल्टीप्लाई करना, नहीं इक्वेशन तुम आए थे ना बीच में छोटी में थी ना, इसलिए नहीं समझ आ रहा होगा, ये 2b है, यहाँ कितना है 3b है, ये किसी को इक्वल करना है तभी तो कैंसिल होगा ना, एलिमिनेट होगा वो, तो यहाँ 3 है 2 है यहाँ 3, इसको 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो 6 भी आ गया ना दोनों जगह। अब इसको सेम साइन है तो क्या, इसने माइनस किया, ये कैंसिल हो जाएगा तो केवल ये बच जाएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी, यहाँ क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे, तो माइनस माइनस ये माइनस, ये कट गया ना, कितना आ गया, ये 9 में से 4 जाएगा, कितना हो गया 5a equal to इधर कितना आएगा 10, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ गया ये 5a equal to 10, a equal to कितना हो गया 10 by 5, 2 हो गया, a की वैल्यू 2 हो गई। आइए बस समझ में, अब a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 2 इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसी में, पुट कर दो जहाँ आपका दिया है, या इसमें फोर्थ या फिफ्थ में, ठीक है, फ्रॉम फोर्थ फोर्थ में पुट करेंगे, कितना हो गया 3 इनटू 2 प्लस कितना हो गया 2b इक्वल टू 12, 6 प्लस कितना होगा 2b इक्वल टू 12 हो गया, तो 2b इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस 6, 2b इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, b की वैल्यू कितनी आ गया 3 हो जाएगा ना, b इक्वल टू 6/2 3 आ गया, b की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई। अब a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इसमें, इसमें थर्ड वाले में,
ए और बी की वैल्यू थर्ड में पुट करेंगे ना, एक्स एक्स हमको निकालना है ना, ठीक है, यहां लिखेंगे 15 वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन थर्ड. देखो क्या 1/x इक्वल टू कितना है, ए कितना है 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 एंड y की वैल्यू कितनी है 1/y 1/y कितना था 3, तो y कितना हो जाएगा 1/2 x की वैल्यू 1/2 आ गई और y की वैल्यू 1/3 हो जाएगी. यही हमारा क्या था आंसर था. चलो जल्दी से करो. ये मेरा फेसबुक का पेज है मैथ्स एंड मोर के नाम से, इसको भी आप लोग लाइक कर सकते हैं. उत्तम नगर दयाल सर रोड पे नई दिल्ली में हमारी मैथ्स पॉइंट के नाम से कोचिंग है, जहां एकेडमिक और कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है. तो फर्स्ट आ गए समझ में, तो वो सेकंड इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है करना, ठीक है. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करना है. तो जैसे सेकेंड क्वेश्चन दिया है, सेकेंड में भी देखो क्या करोगे आप, पुट करोगे 1/ रूट एक्स इक्वल टू ए एंड 1/ रूट वाई इक्वल टू बी. अब सपोज करो सेम क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट में किया था उस तरह ए और बी में क्वेश्चन बन जाएगा, एलिवेशन से सॉल्व कर लिया. सपोज करो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, बी की वैल्यू 3, यही तो आ रहा था हमारा. इसी तरह कुछ वैल्यू ए और बी की आ गई, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1/ रूट एक्स इक्वल टू 2 हो गया. रूट एक्स कितना हो जाएगा, इसको अपॉन 1 कर दो, उल्टा कर दिया तो 1/2 हो गया. एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर कर देंगे 1/4. पहले वाले क्वेश्चन यही चेंज है ना, जब हम रूट एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, पहले सेकंड पहले क्वेश्चन क्या बनेगा 2a, क्योंकि 2y रूट एक्स है, तो 2a प्लस कितना बन जाएगा 3b बनेगा. इसमें आई बात समझ में, ये और आसान है क्योंकि उसमें आपका a/2 बन रहा था, यहाँ पे क्या बनेगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये 4a माइनस 9b इक्वल टू 1 हो जाएगा, आपका माइनस 1 हो जाएगा. अब उसको एलिमिनेट कर दो कैसे भी, ए बी की वैल्यू निकाल दो, उसके बाद ये वैल्यू आएगी, फिर इस तरह बी की वैल्यू ये फिर वाई आएगा, इसको स्क्वायर कर देंगे तो हमारा एक्स और वाई आएगा. क्लियर हो गया. दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 4x प्लस 3y इक्वल टू 14 दिया और 3yx माइनस 4y इक्वल टू 23 दिया है. इसमें केवल 1/x की वैल्यू ही पुट करोगे तो हो जाएगा, y को y रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो y को b पुट भी कर सकते हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है. y हमारा डायरेक्ट आएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड में 1/x को हम लेफ्ट कर लेंगे a, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4/x है ना, बन जाएगा 4a प्लस 3y इक्वल टू 14 हो जाएगा. दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 3a माइनस 4y इक्वल टू 23. अब ये 3 है ये 4 है, इसको 4 से इनपुट कर देना, इसको 3 से इनपुट करके ऐड कर देना, ये कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, फिर बी वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो वाई तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, और ए की वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देंगे, एक्स निकालेंगे तो जो ए की वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. ये 12 बनाना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों इक्वेशन इक्वेट करना होता है ना. हाँ कुछ भी क्या बनाएंगे, 3 लिया 4, 6 कैसे बनेगा, ये 6 का एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम बनाना पड़ता है ना, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, 6 कैसे बनेगा, 6 बन जाएगा 2 से करोगे, सिर्फ ये 6 बनेगा 4 नहीं बनेगा ना, इसलिए दोनों का एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम 12 हुआ. 12 बनाने के लिए इसको 4 से करोगे, इसको 3 से करोगे, समझ में आ गई बात, ये आ गया थोड़ा समझ में, कर लेना फिर घर से करना, जो कोई डाउट होगा तो बता देना. अगला क्वेश्चन है फोर्थ, में देखो क्या रखा होता है, फोर्थ में दिया है 5/(x-1) और +1/(y-2) इक्वल टू, इसमें क्या करते हैं, लेट करते हैं हम, दैट्स 1/(x-1) इक्वल टू 8 एंड 1/(y-2) इक्वल टू b, सॉरी हाँ b लेट करें. तो देखो इसमें क्या बनेगा, इक्वेशन हमारा बन जाएगा 5a, पहला बन जाएगा 5a प्लस बी इक्वल टू 2 बन जाएगा, और दूसरा क्या बनेगा 6a माइनस 3 बी इक्वल टू 1 हो गया. अब ये 3b दिया माइनस, इसको 3 से इनपुट कर दो फर्स्ट वाले को, तो ये हो जाएगा 3, दोनों को ऐड कर दो, b कैंसिल a आ गया, अब फिर a की वैल्यू पुट कर दो b आएगा. अब देखो a और b आएगा तो कैसे निकालेंगे, सपोज करो a की वैल्यू 2 आ रही है,
या 1/2 आ रही है, हम मान लो कि a की वैल्यू हमारी 1/2 आ रही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, और b की वैल्यू 1/3 आ रही है, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 1/(x-1)=1/2 आ गया, तो x-1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2+1 3, इस तरह y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 1/(y-2)=1/3 हो गया, y-2=3, y=3+2 बाकी तो सेम प्रोसेस हमारा वही करना है, तो पहले क्वेश्चन में किया, क्लियर आ रहा है समझ में, ये चेंज जो थोड़ा सा और बता देता हूँ अब दिया उसके बाद से फिफ्थ क्वेश्चन, चलो फिफ्थ में बता देता हूँ थोड़ा सा पूरा इसको, चलो इसको तो फिफ्थ में क्या दिया है 7x-2y/xy=5, ठीक है, तो इसको फिर क्या करेंगे, ये वन है, इसको क्या करो आपने चेंज करोगे अलग अलग, देखो कैसे करोगे 7x/xy-2y/xy=5 करके ये दिया है, अब देखो x x क्या वर्क कर जाएगा, y से y कर जाएगा, कितना आएगा 7/y-2y=5, ये इक्वेशन वन बना होगा, ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, दूसरा इक्वेशन दिया आपका 8x+7y/xy=15, ठीक है, इसमें क्या करोगे आप 8x/xy+7y/xy=15, अब ये क्या होगा x x कट गया y से y कट गया, ये कितना हो गया 8y/y+7 हाँ ये आएगा 8y/y+7x कितना हो गया 15, ये 2 हो गया, अब ये देखो इसमें और उसमें क्या फर्क है, जो पहला क्वेश्चन था उसी टाइप का कुछ भी बन गया या सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से, अब इसमें क्या करेंगे 1/x को क्या करेंगे, लेट 1/x = a एंड 1/y = b, ये हमने थर्ड इक्वेशन ले लिया, अब ये क्या बन जाएगा इक्वेशन 1/x है ना, तो 7 × 1/y होगा 7b हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7b-2a=5, ये हो जाएगा आपका फोर्थ इक्वेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा 8b, क्या हो गया 8b यहाँ प्लस है ना प्लस 7a=15, ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन, अब देखो किसको कर सकते हो इक्वल इसमें, इसको करना है एक को तो इसको 7 से इंटू कर दो, इसको 2 से इंटू कर दो, क्योंकि दोनों जगह जब माइनस है प्लस है दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा b निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 4 इंटू किससे करना है 7 प्लस इक्वेशन 5 इंटू क्या करना है 2, आगे समझ लो 7 से इंटू करो 7 से मतलब कितना हो गया 49a-7 × 14, ये b है सॉरी ये 49b है माइनस a=7 5 तक कितना हुआ 35, और ये करोगे किससे कर रहे हो इसको 2 से, 2 से करोगे तो a^2 16b + 14a = 15 कितना हो गया 30, ये क्या हुआ कट गया, ये कितना आ जाएगा 9 में 6 गया 3 यहाँ हो जाएगा 33b = ये कितना हो जाएगा, ऐड कर रहे थे हमने यहाँ पे सर 35 नहीं आएगा कहाँ पे सर ऐड कर रहे हैं हाँ सॉरी ऐड कर रहे हैं माइनस कर दिया 9 और कितना हो जाएगा 9 और 6 5 15 हो जाएगा और ये 5 और ये 65 = ये भी आपका 65, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65/65, ये कट गया 1 हो गया, तो बी की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, अब हम क्या करेंगे बी की वैल्यू किसी में पुट कर दो 4 या 5th में, कहाँ पुट कर दो 4 में पुट कर दो, ठीक है फ्रॉम 4, तो यहाँ बी की वैल्यू पुट कर दो 7 × कितना हो जाएगा 1 - 2a = 5, समझ आ गया 7 - 5 = कितना हुआ 2a, कितना आ जाएगा ये 2 = कितना हुआ 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई
वन आ गया, आ गया समझ में। ए की वैल्यू वन आ गई, बी की वैल्यू भी वन आ गई। अब हम उनको क्या निकालना था, बी की वैल्यू भी यहाँ पे, बी की वैल्यू भी वन आई है और ए की वैल्यू भी वन ही आ रही है ना, आ गए समझ में। अब कहाँ पुट करोगे इसको, थर्ड में पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन थर्ड। तो देखो क्या होगा, वन बाई एक्स कितना था, ए कितना है वन, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन ही आएगी। एंड वन बाई वाई कितना था, बी ए वन हो गया ना, वाई की वैल्यू कितना हो गया वन। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर हो गया एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू बी। सिक्स भी सेम इसी तरह है। सिक्स क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसीलिए ये भी आप लोगों का लिखा हुआ इसी में समझ में आ जाएगा। देखो जो पहला कर्व है ना, फर्स्ट दिया जो दिया है सिक्स एक्स, इसको पहले समझ लो फिर लिखना। सिक्स एक्स प्लस कितना दिया है, थ्री वाई इक्वल टू दिया है सिक्स एक्स वाई। अब एक्स वाई को इधर लेके जाओ, एक्स वाई दोनों साइड क्या करे डिवाइड कर दिया, एक्स वाई इधर आ जाएगा ये तो कट जाएगा, एक्स वाई क्या बनेगा ये सिक्स एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस थ्री वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू सिक्स आ जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, चाहो तो लिखो एक्स वाई अपॉन एक्स वाई कट गया ना एक्स वाई से, समझ में आ गया। एक्स वाई से पूरे को डिवाइड कर दिया, फिर यही चीज मिल जाएगी ना जैसे ही क्वेश्चन किया था भाई, ये दिया था ना सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स एक्स वाई, तो पूरे क्वेश्चन को एक्स वाई से डिवाइड कर दिया जैसे ये था ना एक्स वाई से, तो देखो डिवाइड नहीं कर गया ना एक्स वाई खत्म हो जाएगा। इसमें इसमें यही से बन गया ना क्वेश्चन, ये नहीं समझ पाया आ गया। अब ये देखो सिक्स से कट गया, देखो एक्स एक्स कट गया वाई से, वाई सेम चीज आ गया सिक्स अपॉन वाई प्लस थ्री अपॉन एक्स इक्वल टू सिक्स, जैसे ये क्वेश्चन बना तो वैसे बन गया ना, आया तुमको समझ में। दूसरे को भी सेम उसी तरह डिवाइड कर देंगे, कितना दिया है टू एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू कितना दिया है फाइव एक्स वाई, तो ये क्या होगा टू एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस फोर वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू फाइव एक्स वाई अपॉन एक्स वाई। यहाँ चाहो तो लिख दो डिवाइड बोथ साइड बाई एक्स वाई, यहाँ भी चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ तो डिवाइड करो यहाँ पे लिख देना ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाई एक्स वाई, क्लियर हो गया। अब ये एक्स से फिर वही चीज एक्स वाई कट गया, एक्स एक्स कट गया वाई से वाई, क्या होगा टू अपॉन वाई प्लस फोर अपॉन एक्स इक्वल टू फाइव। ये इक्वेशन वन ले लो, इक्वेशन टू ले लो, इसमें सेम ये थर्ड में जैसे हमने पुट किया वन बाई एक्स को ए ले लिया, वन बाई वाई को बी ले लिया, फिर इक्वेशन कितना बनेगा सिक्स ए प्लस थ्री सिक्स बी हो जाएगा आपको, सिक्स बी प्लस थ्री ए इक्वल टू सिक्स बनेगा और ये टू बी प्लस फोर ए इक्वल टू फाइव बनेगा। ये आपका फोर हो गया, ये फाइव हो गया ठीक है, क्योंकि हमने लेट किया उसको थर्ड बनाते हैं ना, ये थर्ड बनाते हैं ये वाला इक्वेशन, तो हमने नहीं लिखा एक इक्वेशन यहाँ थर्ड हो जाएगा। अभी दोनों को क्या करेंगे सॉल्व कर लो, जैसे भी सॉल्व करना है, इसमें थ्री से इंटू कर दो सिक्स बन जाएगा, ये सिक्स है ना, यहाँ आपको टू बी दिया है थ्री से इंटू कर दो, फिर दोनों को माइनस कर दो बी का ये आ जाएगा, ये की वैल्यू तो बी आ जाएगा, ए और बी पुट करके फिर इसी तरह सेम आंसर आ जाएगा ठीक है। अब दिया सेवन और एट, इसको लिख लो कि सेवन एट में से कोई एक बता देता हूँ। फर्स्ट का सेवेंथ क्वेश्चन है, टेन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर, फिफ्टीन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे लेट वन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए एंड वन अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी, इक्वेशन क्या बन जाएगा ये टेन ए प्लस टू बी इक्वल टू फोर ठीक है, ये वन ले दो ये टू ले दो ये थ्री ले लिया ये फोर हो गया ठीक है। इसको टू से डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन फोर को, हाँ हाँ इसको कर सकते हो, ये कितना है ये कितना हो जाएगा तुम्हारा फाइव ए प्लस बी इक्वल टू टू हो जाएगा, इसको ले लो फोर, और ये कितना हो गया ये हो गया फिफ्टीन ए माइनस फाइव बी इक्वल टू माइनस टू, ये कितना हो गया फिफ ठीक है, फिफ्टीन ए माइनस फाइव बी इक्वल टू माइनस टू। अब इन दोनों को क्या करो सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करके ए की वैल्यू आ गई बी की वैल्यू आ गई आ जाएगा ना, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कराया था पहले फर्स्ट में। अब देखो क्या करोगे यहाँ पे पुट करना है ना, एलिमिनेट कर देना
हाँ एलिमिनेट करके जैसे भी सॉल्व कर लिया, ठीक है, वो निकाल लो, ए और बी आ गया ना। सपोज करो वन अपॉन ए की वैल्यू आ रही है 1/2 और बी की वैल्यू आ रही है 1/3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 upon x plus y = 1/2 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 आ गया ना ये, तो इसको मान लो इक्वेशन 5 तक था ना, 6 मान लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 upon x minus y = कितना होगा 1/3, तो x minus y कितना हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे भी 3, तो इसको 7 दे दो। अब दोनों को क्या करो, 6 और 7 को ऐड कर दो, तो y से y कट जाएगा, 2x आ जाएगा, तो x से आ जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दो y आ जाएगा, यही आंसर समझ में आ गया। बस यहाँ मैंने नहीं किया, ये आप लोगों को खुद ही सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगी, मैंने लेट किया है, ये आंसर नहीं है, फाइनल आंसर नहीं है, जो भी है भाई समझाने के लिए। अच्छा, और से दूसरे भी डिवाइड कर रहे हैं। हां, जो ऐसे भी करना हो ये कर को, a और b की वैल्यू निकाल के, मेरे कहने मतलब पहले 1/x था, अब x + y आ गया, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं बता देता हूं पूरा, ठीक है, चलो इसको लिखना है, इसको नोट करना है, चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, 7 तक समझा दिया था। 8 में देखो दिया है 1 upon 3x + y + 1 upon 3x - y = 3 और ये जो बोल दिया है, इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे सेम उसी तरह, लेट 1 upon 3x + y = a एंड 1 upon 3x - y = b, 3 को लेंगे, 3x + y पूरे को लेंगे, नहीं ये x plus y लेंगे ना, नहीं ये पूरे को लेंगे, पूरे को 1 upon 3x + y को ये लेंगे, पूरे 1 upon 3x - y को b लिख कर, समझ में आ गया, क्या बनेगा यहाँ से, a plus b equal to 3/4, ये इक्वेशन हो गया, ये तो 1 हो गया तुम्हारा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, आगे समझ में, इसमें क्या होगा, देखो अभी जब जो फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था कि 1/2 × कितना होगा 1 upon 3x + y, 1/2 × कितना हो गया, a तो कितना हो गया, ये a by 2 क्या आएगा, ये आएगा a by 2, यही गलती होती है बच्चों से, माइनस ये कितना हो जाएगा b by 2 equal to minus 1/a, 2 यहाँ LCM आ जाएगा, तो a minus b by 2 equal to कितना हो गया minus 1/a, 2 से कट जाएगा 4, तो a minus b कितना हो गया minus 1/4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5, समझ में आ गई बात। अब a plus b 3/4 हो गया, a minus b minus 1/4 हो गया, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ b plus है या minus b है, तो क्या करेंगे, adding 4 and 5, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, 2a equal to कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा 3/4 minus 1/4, समझ में आया, ये b से b क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, a और ये वे हो गया, और 3/4 और ये -1/4, समझ में आ गया, ये कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/2, ये इधर आ जाएगा ना 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ गया 1/2 × 2, ये 2 नीचे आ गया, ये वही a इक्वल टू 1/4 आ गया। अब a की वैल्यू 1/4 कहां पुट कर देंगे, किसी में पुट कर दो, इसमें 4 में a इक्वल टू आ गया 1/4, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन 4 कितना हो जाएगा, कहा था यहाँ पे a माइनस a प्लस b इक्वल टू 3/4 था, तो a की जगह 1/4 प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 3/4, तो b इक्वल टू कितना हो गया 3/4 माइनस 1/4 कितना हुआ 2/4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, समझ में आई बात कुछ। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन थर्ड, थर्ड में पुट करो कितना है 1 upon 2x + y = ये कितना है तुम्हारा, ए की वैल्यू आई थी 1/4, ठीक है, तो क्रॉस हां 3x + y, ठीक है, 1 upon 3x + y 1/4 क्रॉस करो कितना हो जाएगा 3x + y = कितना आ गया 4 हो जाएगा, ये इक्वेशन कितना बन जाएगा, 5 तक हो चुका था ना 6 हो जाएगा, ठीक है, और यहां से ले लेंगे
ये यहाँ पे है वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी, बी कितना है वन बाई टू, यहाँ से क्या जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना जाएगा, तो क्रॉस करेंगे तो ये देखो वन होगा यहाँ टू आ जाएगा, ये हो गया सेवन। अब देखो यहाँ पे बात बंद करो, थ्री एक्स प्लस वाई फोर है और थ्री एक्स माइनस वाई टू है, दोनों को क्या करो ऐड कर दो, तो वाई से वाई क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो एडिंग सिक्स एंड सेवन, ये देखो वाई से वाई कैंसिल हो गया, थ्री एक्स कितना हुआ सिक्स एक्स, सिक्स एक्स इक्वल कितना जाएगा फोर प्लस टू, सिक्स आ गया ना, समझ में आया ये फोर प्लस, तुमको आ रहा समझ में, फोर प्लस टू सिक्स आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन हो गई। अब x की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो सिक्स में, फ्रॉम सिक्स कितना हो जाएगा थ्री इंटू वन प्लस y इक्वल टू फोर कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो गया फोर माइनस थ्री, ये भी वन आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई वन, आंसर पर कितना हो गया x इक्वल टू वन और y इक्वल टू वन, यही हमारा क्या हो गया आंसर, आगे करेक्ट हो गया। अब ये बच गया सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ठीक है, और इसको अच्छी तरह पूरा क्वेश्चन करके आना है, फर्स्ट से लेके और लास्ट तक पूरे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके आना, अगली क्लास में चेक करना।